Yes. गुड मॉर्निंग। चलिए पहले थोड़ा बहुत हम देख लें कि हमें क्या पढ़ना है और अबाउट पहले समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है हमारा, है ना। तो बड़ी सीधी सी बात करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट थोड़ी इसकी कहानी देख लेते हैं। ये है क्या और क्यों पढ़ाया जाता है हमें, क्यों बना दिया इस चैप्टर को। तो हमारे अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स में अकाउंट सबसे मेन है, तो अकाउंट्स के अंदर ना अकाउंट्स को अगर इन डिटेल पढ़े ना तो बहुत बड़ा अकाउंट्स है। तो हमें एक ही साथ सारा ना पढ़ा के उसे टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। और टुकड़ों में पढ़ाने का अगर मैं मतलब बताऊं तो सबसे पहले हमें पढ़ाया गया फाइनेंशियल अकाउंट। और ऐसा क्यों किया जाता है कि पहले हमें फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला लाइफ में यही है। कॉमर्स का कोई भी बच्चा इसको यूज करके कहीं जॉब कर सकता है, एटलीस्ट जैसे टेली का कर लिया या कोई भी एक्सेट्रा जॉब कर सकता है वो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सिखाया गया फाइनेंशियल अकाउंट। सर हमें तो याद ही नहीं है कब सिखाया गया, 11th में सिखाया गया था, 12th में सिखाया गया था, फर्स्ट ईयर में सिखाया गया था, सेकंड ईयर में सिखाया गया था, यही तो सिखाया गया था। और इसका उद्देश्य एक ही था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाए, बैलेंस शीट। एक तो ये सिखाया गया जो कि हम पढ़ते आए हैं। और आप देखोगे कि इसको भी ना एक साथ नहीं पढ़ाया गया, इसको भी टुकड़ों में पढ़ाया गया, तोड़ तोड़ कर पढ़ाया गया हमें। उसके बाद जैसे हम थोड़े बड़े हुए, हमारे हाथ में दे दिया कॉस्ट अकाउंट। बोला भैया अब आपको कॉस्टिंग सीखनी होगी। तो कॉस्टिंग जो हमें सिखाया गया वो सिखाया गया था हमें सेकेंड सेमेस्टर में, है ना, सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड नहीं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में, जो कि 4 semester था। तो आपको कॉस्ट अकाउंट सिखाया गया था। सर इसका सिखाने का मेन पर्पस क्या था, आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट अच्छे से कर पाओ। और इन दोनों को इतना सेपरेट रखा गया कि इन दोनों के अपने अपने स्टैच्यूटरी बॉडी बना रखे हैं। यानी सर यहां पे कोई भी कानून में बदलाव करेगा तो गवर्नमेंट ने एक अलग से बॉडी बना दिया वो करेगा, और इसमें जो बदलाव करेगा वो अलग से कर दिया। मतलब सर समझा नहीं किस आप किसकी बात कर रहे हैं। मैंने इसके अंदर इसको सारी देख रेख, इसके अंदर कानून लॉ के बदलाव के लिए गवर्नमेंट ने ICAI इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को बना के रखा हुआ है कि भैया आप इसकी देख रेख करेंगे। इसके लिए रखा गया है हमारा CMA, जिसको पहले हम ICWA भी कहा करते थे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, इसके लिए इसको रखा गया है। यानी ये दोनों बॉडी है। और यहां पे ना आप कोर्सेस भी कर सकते हैं, नॉर्मली चार्टेड अकाउंटेंट का भी कोर्स और एक CMA का कोर्स। तो CMA का मतलब है कि यू नो वेरी वेल हाउ टू प्रोडक्ट, प्रोडक्शन के कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, क्या किया जाए, एंड ऑल। और ICAI जो है वो आपको प्रॉफिट एंड कैसे लॉस निकाला जाए, टैक्सेशन में कैसे किया जाए, तो इसके अंदर आपको बहुत ही एफिशिएंट बनाता है। तो ये दोनों चीजें हमें पढ़ा दिया गया। इसके बाद तीसरे की बात करें
इधर लगा देते हैं। अब हम अगर तीसरे की बात करते हैं सर, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंट। अब इसको मैं तोड़ देता हूं थोड़ा। मैनेज जमा, या कह लो मैनेज प्लस अकाउंट। तो वेरी वेरी क्लियर, मैनेज और मिंट मैंने तोड़ दिया इसको। मैनेज का मतलब होता है कि आप एक फैसला लो, एक डिसीजन लो। मैनेज का, मैनेजमेंट का अगर मैं बोलूं तो एक फैसला, एक डिसीजन। सर अकाउंट्स में कौन सा फैसला लेना है हमें, अकाउंट्स में कौन सा डिसीजन लेना है, जो कि ये सिखाया जा रहा है। और इसको भी किसमें फैसला, आपको आपके रियल लाइफ में नहीं लेना, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी फैसला लेते हो कि आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सभी बच्चों ने एक फैसला लिया सेमेस्टर 5-6 के अंदर कि हमें मैनेजमेंट अकाउंट लेना चाहिए या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो आपके ऑप्शन में था। तो ये भी क्या था आपका फैसला, ये रियल लाइफ का है। लेकिन अकाउंट से रिलेटेड फैसला जो लिया जाएगा उसे बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंट। सर ऐसा क्या फैसला लेते हैं अकाउंट से रिलेटेड, मान लेते हैं मैं कुछ लोगों के फैसले को आपको बताता हूं। एप्पल, एप्पल कंपनी सब हर कोई जानता है बच्चा। एप्पल कंपनी ने अपना एक फैसला लिया, इन्होंने डिस्प्ले अपने मोबाइल फोन का, जो डिस्प्ले था इसके मोबाइल फोन का, एप्पल कंपनी ने पहले खुद बनाया। बोला हम सारी चीजें इन हाउस करेंगे, इन हाउस मतलब हम खुद बनाएंगे। जब खुद बनाया तो इनके मोबाइल की कॉस्ट जो चली गई ज्यादा हैवी चली गई, क्योंकि जब हम खुद बना रहे थे तो बहुत महंगी चली गई। जैसे कि इसकी कॉस्ट चली गई हमारी 2 लाख रुपए, एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो 2 लाख चले गया खुद बनाया। इसने सोचा यार जब हम एक डिस्प्ले बना रहे हैं तो सारा डिस्प्ले के अंदर हमारा R&D टीम लग रहा है, और डिस्प्ले को बनाने की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत हाई जा रही है, क्यों ना हम इस डिस्प्ले का कुछ समाधान निकाला जाए। इसने अलग अलग वेंडर्स ढूंढा, जिसके अंदर एक सैमसंग, जिसके अंदर सैमसंग, सैमसंग ने क्या करा कि ऑफर किया कि भैया आप इस डिस्प्ले को कितने में खर्चा आ रहा है। तो इसने बोला भैया हमारा डिस्प्ले तो काफी प्रीमियम है, 40,000 रुपए तो डिस्प्ले डिस्प्ले में आ रहा है। सैमसंग ने कहा कि हम डिस्प्ले बनाने के अंदर महारत हैं, हम एक्सपर्टीज हैं, तो मेरे लिए ये खर्चा आपको मैं 20,000 रुपए में सेम डिस्प्ले बना के दे दूंगा, आपको ऑर्डर देना है तो दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है, बट प्रोडक्ट तो बेचना ही है। तो सैमसंग जो है एप्पल का डिस्प्ले बनाने लगा। तो एप्पल कंपनी ने एक फैसला लिया कि हमें ये प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए या फिर हमें बाहर से बना बनाया खरीद लेना चाहिए। तो उसने क्या फैसला लिया होगा कि हमें बाहर से बना बनाया खरीद लेना चाहिए, जो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो ये मैनेजमेंट का काम है। तो यानी आप किसी प्रोडक्ट को खुद पहले बनाने की कोशिश करते हो, उसकी कॉस्टिंग का अंदाजा लगाते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि हमें बाहर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट। या फिर कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है आउट ऑफ इंडिया या नहीं बेचना, इसको मैनेजमेंट कहा गया। तो इस अकाउंटिंग आई, दिस इज ऑल्सो अकाउंटेंट, कि आपको प्रोडक्ट बनाना है या बेचना है, तो इसको बोला गया मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। सेम बहुत जगह पे फैसला लिया जाता है। अब मान लो आप एक, आपको एक समोसे खाने, अगर एक समोसे बनाने जाओगे तो आपको कितने का पड़ेगा, आप अंदाजा लगाओ। पहले आप आलू लेके आओगे, अब 100 ग्राम आलू तो मिलेगा नहीं, कम से कम आधा किलो आलू लाओगे, आधा किलो आलू आपको कितने का मिलेगा, मान लेते हैं मोटा मोटी 10 रुपए का। फिर आप मैदा लेने जाओगे, 50 ग्राम मैदा तो मिलेगा नहीं, कम से कम 1 पाव मैदा लेके आओगे, मान लो 10 रुपए, 20 रुपए। फिर तेल लेने जाओगे, तेल 100 ग्राम शायद मिल जाए आपको, वो भी मान लेते हैं 100 ग्राम तेल आपको 10 रुपए का मिलेगा, तो आपको 30 रुपए लग गए। उसके बाद फिर उसके अंदर मसाले भी लेके आओगे, तो एक समोसे बनाने में भाई साहब आपको 100 रुपए लग जाएंगे। अगर एक समोसे लेने हैं आप क्या फैसला लोगे, यार इससे अच्छा जाओ 10 रुपए का लो और खा पी के खत्म करो।
तो कहानी यही है ओवरऑल कि हम प्रोडक्ट को बनाएं या ना बनाएं, इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंट कराया जाता है। तो ये तीसरी ब्रांच है। ऑल दो हमने और भी चीजें किए हुए हैं, जैसे इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है हमने। मैं हर एक बच्चों को कहना चाहूंगा, भैया जिसने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, पढ़ना जरूरी है आपके लाइफ के लिए। ये पढ़ चुके हैं तो इसके अंदर अलग ही चलता है। एक FM पढ़ा हुआ था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो अभी अभी रिसेंटली हमने पढ़ के खत्म किया है। तो ये सब्जेक्ट वो है जो कि हेल्पिंग है, इंपॉर्टेंट ये भी है लाइफ में, लेकिन इसके बिना काम चल सकता है। हेल्पिंग सब्जेक्ट है हमारे अकाउंट्स के अंदर। तो ये पूरा हमारा अकाउंट्स का ना एक प्रोसीजर रहता है जिससे मैनेजमेंट अकाउंट बनाया गया। तो हम फर्स्ट सेकंड को नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इसको पहले ही पढ़ के खत्म कर चुके हैं। FM भी पहले पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स भी। इसके बाद आगे फर्दर जाएंगे हम कहा मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर। सर मैनेजमेंट अकाउंट में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे वो देख लेते हैं हम। तो मैनेजमेंट अकाउंट की अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो क्या क्या होगा मैनेजमेंट अकाउंट में? मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर क्या इंडेक्स होगा, सिलेबस क्या होगा? तो चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड स्कोप, तो हर किसी चैप्टर के अंदर पहला चैप्टर जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, थ्योरी का होता है, नेचर। सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से एक, मान लीजिए 7 से 10 नंबर का पूछा जाता है इसमें से। दूसरा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सेकंड चैप्टर है हमारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इसमें से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 15 नंबर तक का पूछा जाता है। तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस, सर इसमें से भी 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। जैसे हमारे पिछले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर था जो कि सबसे बड़ा चैप्टर और क्वेश्चन भी आया ही था आपका, जो कौन सा था आपका, कैपिटल बजटिंग। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड था, सेम ऐसे यहाँ पे एक चैप्टर है स्टैंडर्ड। हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा चैप्टर होता है जो बाहुबली के तरीके का काम करता है, वो मतलब वो जो है भारी पड़ता है थोड़ा सा, तो स्टैंडर्ड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरियस वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग, सर इसमें से भी सवाल इस बार जो हुआ था एग्जाम ऑनर्स वालों का सेमेस्टर 5 में था ना, उनके पास तो सवाल आया हुआ था, ये भी 10 नंबर का मान के चलो। सर प्रॉफिट चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, जिसको मैंने बड़े प्यार से PVR भी कहूंगा मैं, और दैट इज ये मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से भी 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 6, डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग क्या है सर, फैसला लेना, तो इसमें से भी सवाल पूछा जाता है 8 से 10 नंबर के बीच का। मतलब देखो पेपर तो आपका अगर 75 का बोलूँ तो 75 का नहीं आएगा ना, पूरे 150 का आएगा। पेपर कितने का आएगा, 150 का। तो सारे क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ये अलग बात है कि ऑप्शन और ये सब मिलेगा। 7वां चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। ये सर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मैं स्टार बना देता हूं, बड़ा छोटा सा चैप्टर, आधे घंटे का चैप्टर है सिर्फ। तो अगर हम देखें तो ये सारे हमारे क्या है सर, चैप्टर्स है। ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसे हटा दीजिए, इसको ध्यान मत दीजिए। यानी ओवरऑल मिला के हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंट का सिलेबस बहुत छोटा सा है, काफी छोटा है मैनेजमेंट अकाउंट का सिलेबस, इतना बड़ा नहीं है। FM का सिलेबस आपको भी छोटा लगा होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी ज्यादा छोटा आपका मैनेजमेंट का है। मैं इसके अंदर आपकी जो वीक में क्लासेस वगैरह है ना, थोड़ा सा मैं जो मैं भी फाइनल नहीं है, वैसे तो आपकी मॉर्निंग की क्लासेस है, बढ़िया है मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ बच्चे रेगुलर कॉलेज वाले हैं वो कहते हैं सर मॉर्निंग की क्लासेस तो दिक्कत हो रही है हमें। तो मैं इस क्लासेस को थोड़ी लंबी लंबी करके, मेरा माइंड कह रहा है कि
कि मैं इस क्लासेस को ले जाऊं सैटरडे संडे, ओनली सैटरडे संडे, यानी एक ले जाऊं संडे और सर एक ले जाऊं सैटरडे, या वीक के अंदर 2 दिन अभी फिलहाल करने की कोशिश करूं मैं, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि मॉर्निंग सेशन में कह रहे हैं कि सर मॉर्निंग में मेरा कॉलेज है, कुछ बच्चों का कहना है, जो मेरे पास क्वेरी आती है, जो फीडबैक आता है सर टाइमिंग को लेके, और इवनिंग, वैसे मुझे 7 बजे का टाइम कंफर्टेबल है, ये टाइम कुछ बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल कि जो बच्चे दूर से आते हैं तो, या फिर उनका कोई वर्क है, जॉब है, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि हार्डली 10 से 15 दिन बाद तो नॉर्मली कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे सभी बच्चे। तो ये पूरा का पूरा हमने क्या देखा सर, अपना एक सिलेबस का पैटर्न देख लिया कि क्या सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस हमने देख लिया, ठीक है। तो बहुत छोटा सा सिलेबस, हम पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, जो कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने वाला है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कैसे बेनिफिट ये रहने वाला है आपको कि अगर आपको कोई चैप्टर जल्दी करना हो तो कर सकते हैं। कब का रिकॉर्डिंग, अभी लेटेस्ट पिछला सेमेस्टर 5 ऑनर्स में भी मैनेजमेंट अकाउंट था, तो उनका पूरा कंप्लीट कराया गया, तो वहां पे भी रिकॉर्डिंग है। तो कुछ चैप्टर आप सेल्फ चाहे करने के लिए, देखिए लाइव क्लास हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लाइव क्लास लें, तो लाइव क्लास डेफिनेटली होगी, लेकिन कुछ चैप्टर अगर आप सेल्फ करना चाहें तो कर सकते हैं वहां पे देख के। लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूंगा प्लीज स्टैंडर्ड मत करिएगा सेल्फ, क्योंकि इसे मैं कराऊंगा, और बाकी कोई चैप्टर आप करना चाहें, जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो चल रहा है तो उसको थोड़ा स्पीड में अगर आपका करने का मन करता है तो आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, हालांकि इस चैप्टर को मैं मार्जिनल ज्यादा बोलना पसंद करूंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग, या फिर मैं इस चैप्टर को बोलना पसंद करूंगा PVR, इन सभी नाम से ये चैप्टर जाना जाता है। कई बार ना स्टूडेंट परेशान रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं कि इंडेक्स को देखते हैं DU के और उसके अंदर उनका मैच नहीं हो रहा था, वहां प्रॉफिट वॉल्यूम के नाम से होता है और मैं बोल रहा हूँ तो मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं मार्जिनल, तो वो कहता है हमारे सिलेबस में नहीं है, पता नहीं क्या करा रहे हैं सर। मैंने इसलिए तीनों नाम लिख दिया जहां पे लिखा है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। तो सर सबसे पहले मैं बात करूं ना, तो हम समझेंगे सबसे पहले सेल्स को। सर सेल्स मार्जिनल के अंदर हमें सिखाया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, हमें मार्जिनल में सिखाया जाता है कि हम प्रोडक्ट को कब तक बिजनेस को चालू रखें, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कि हमें कितना काम करें कि हमें इतना प्रॉफिट हो जाए। हमारा एक डिजायर प्रॉफिट है, मान लेते हैं मैं कमाना चाहता हूं 50,000 रुपए, तो कितना काम करूं, कितने यूनिट बेचूं कि मुझे 50,000 की कमाई हो जाए, तो एक डिजायर प्रॉफिट, तो यानी प्रॉफिट के लिए कितना वॉल्यूम रखना है, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ये सब कुछ सिखाया जाता है इसमें। बड़ी सीधी सी बात, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो आपको अच्छे से पता है सेल्स क्या होता है हमारा। सेल्स होता है वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट
और प्लस प्रॉफिट, ये होता है हमारा सेल्स। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे तरीके से लिख दूं, दूसरे स्टाइल में थोड़ा सा, कि सर सेल्स इज इक्वल टू अगर इसमें से हम माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, अगर माइनस करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा सर। उस रिजल्ट को क्या कहेंगे? उस रिजल्ट को कहेंगे कंट्रीब्यूशन। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है इसको, जो मैं ये बनाने वाला हूं। कहां पढ़ा हुआ है? एफएम में। अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे सर? फिक्स कॉस्ट। जैसे ही फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे कम्स टू क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इससे आगे हम इसमें नहीं जाने वाले। पहले इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इंटरेस्ट भी देखते थे, इंटरेस्ट फाइनेंस का पार्ट आ जाता है, यानी आपका पहले वाले का पार्ट आ जाता है। हम यहीं तक रहेंगे, यानी कुछ हमारा सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने का तो कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यानी अल्टीमेटली मैं फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करने जाऊं तो क्या होगा सर? सेल्स हो जाएगा हमारा, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट माइनस में प्रॉफिट। हो सकता है? नहीं हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं यहां पे सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करो तो सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया गया, यानी सर अगर हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं क्या सर? वीसी, वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो जो बचा उसे क्या नाम देते हैं? कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन को डिटेल में स्टडी करें तो यहां से दो ही चीजें निकलती है, एक इसमें जुड़ा हुआ होता है एफसी और एक जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर प्रॉफिट। एक होता है एफसी और एक होता है प्रॉफिट। सर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो जो फिक्स कॉस्ट आप देखिए ना यहां पे, इन तीनों का जोड़ होता है, तो इन दोनों का जोड़ को हम क्या बोल रहे हैं? इन दोनों के जोड़ को क्या बोल रहे हैं हम? प्रॉफिट। और फिक्स कॉस्ट के टोटल को क्या कह रहे हैं हम? कंट्रीब्यूशन। बड़ी सीधी सी बात है। और वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो अलग ही है। अब समझते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो यूनिट जितने मर्जी बेचें उतना हमारा वेरिएबल होता रहेगा। सपोज करो मैं सेल्स करता हूं सर 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है यहां पे 1000 रुपए। लेकिन अगर मैं 50 यूनिट बेचूंगा तो 10 रुपए के हिसाब से मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 500। 10 यूनिट बेचूंगा तो 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 100। 40 यूनिट बेचूंगा तो 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 40। तो ये क्या दिखाता है हमें? ये हमें यही बताता है कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएंगे या यूनिट घटाएंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है ना हर बार फिक्स ही रहेगा, चाहे हम 10 यूनिट बनाए, चाहे 20 यूनिट बनाए, चाहे 50 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। यानी सर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए काम की चीज एक ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला बेस रहेगा लेकिन समझ ले। तो हमें क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन निकालने के काफी सारे तरीके हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आपका सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट।
और क्या हो सकता है कंट्रीब्यूशन सर? और क्या हो सकता है? और हो सकता है हमारा वेरी फिक्स कॉस्ट प्लस में क्या कर दें, प्रॉफिट। सोचिएगा इसके बारे में, देखिए जितना सोचेंगे उतना बेटर है। और क्या हो सकता है कंट्रीब्यूशन? और कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा 100 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट का एक परसेंटेज, जब आएगा तो मैं बताऊंगा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। ये क्या हो सकता है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन। और सेल्स का तो बता ही दिया कि क्या होता है हमारा सेल्स। सेल्स क्या होता है सर? बड़ी सीधी सी बात है, सेल्स होता है हमारा एफसी प्लस वीसी और प्लस प्रॉफिट, ये सेल्स है हमारा। या फिर सेल्स इज इक्वल टू टीसी प्लस प्रॉफिट, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। हमारे पहले जो सिखाया जाता है फर्स्ट टाइम पे, हमें इसमें चैप्टर के अंदर बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताओ, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताओ, प्रॉफिट वॉल्यूम आप रेशियो बताओ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। आपका किसका फॉर्मूला होता है? ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का। सर एक एग्जांपल लेते जाऊंगा और बताता जाऊंगा मैं, जैसे एग्जांपल एग्जांपल मेरा सेल्स है 5,000 या 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 10,000, फिक्स कॉस्ट है आपका 30,000। आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड करना है। तो सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए क्या चाहिए हमें? कंट्रीब्यूशन। तो पीवीआर इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा कहां से? वेरिएबल, यानी सर इन दोनों को माइनस कर दे, दैट इज डायरेक्टली मुझे मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 40,000 डिवाइडेड बाय क्या करें, सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स कितने हैं? 50,000 इंटू में 100। तो पीवीआर अगर मैं यहां पे निकालूं, प्रॉफिट प्लस होगा टोटल कॉस्ट में, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू में 100, 80%। यानी सिंपल प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है क्या कि हमारा परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट का कितना है। वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज सेल पे है। तो आप सिंपल सी देखो, आपका फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालोगे तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछ लूं प्रॉफिट बताओ तो झट से बता दोगे सर 10,000 का प्रॉफिट है और फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 10,000। तो बताओ 50,000 में अगर 10,000 फिक्स कॉस्ट और 10,000 ये है तो 20% का योगदान रहेगा किसका सर? फिक्स कॉस्ट और आपका प्रॉफिट का। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। कई बार आपसे ना यूनिट में भी पूछा जाएगा ये, यानी जरूरी नहीं आपको टोटल पता होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि सर सेल्स 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 40,000। आपको पीवीआर बताना है सर, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहां पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा पर यूनिट, दैट इज अ सेल्स माइनस वीसी, तो 10 माइनस में 5 तो इज इक्वल टू 5 रुपए आ गया। अब पीवीआर का फॉर्मूला पुट कर दो, 5 रुपए आ गया हमारा, तो हमारा क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। तो 5 रुपए डिवाइडेड बाय सेल्स, 10 रुपए इंटू में 100, दैट इज क्या आ गया हमारा
50%, कितने आ गए 50%। एक मजे की बात देखना, यहां पे कंट्रीब्यूशन हमारा पीवीआर कितना आया और हमारा सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 10,000 रुपीज। तो एक चीज आप ध्यान देखना, दोनों में कंपेयर करेंगे कि 50,000 का अगर 10,000 हम निकाला जाए हमसे तो कितने परसेंट बनता है कि 10,000 तो आपका इंटू 100 करोगे तो आप क्या पाओगे सर, 20%। यानी आपका सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का एक परसेंटेज निकालते हैं जो कि क्या बन रहा है हमारा, 20%। एग्री करते हो? और 80% क्या बन रहा है, कंट्रीब्यूशन। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं, एक तरीके से ये भी कह सकता हूं सर, सेल्स होता है हमारा इज इक्वल टू आपका कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज और प्लस में वीसी का परसेंटेज। सर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है, 80, और वीसी का परसेंटेज कितना है हमारा, 20। दोनों को जोड़ दोगे तो सेल ही बनेगा हमारा। इसलिए आपको सेल जब परसेंटेज में खेलना चाहोगे ना, तो सेल को हमेशा क्या मानना आपने, 100। अगर मैं आपको कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज दे दूं तो आप वीसी का परसेंटेज निकाल सकते हो, अगर मैं वीसी का परसेंटेज दे दूं तो आप किसका परसेंटेज निकाल सकते हो, कंट्री का परसेंटेज निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल पाएंगे इन सभी का परसेंटेज, सिंपल सी बात है, इधर उधर करके आप निकाल लोगे इजीली। यहां पे भी चेक कर लेते हैं सर, यहां पे कितना परसेंटेज है हमारा पीवीआर, 50%। मेरे से कोई पूछे वेरिएबल कॉस्ट बता दो कितना परसेंट है, तो मैं बोलूंगा 50 ही होगा, क्योंकि 100 में से मैंने 50 माइनस करके चेक कर लिया। तो पहले यहां पे हमने क्या क्या बातें सीखी, हमने यहां पे सीखा कि पीवीआर कैसे निकाला जाता है, पीवीआर कैसे निकाला जाता है, और वीसी परसेंटेज और कंट्री परसेंटेज को, कंट्री परसेंटेज क्या होता है, इज इक्वल टू पीवीआर रेशियो होता है, कंट्री परसेंटेज इज इक्वल टू पीवीआर रेशियो होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का जोड़ किससे मिल जाता है सर, सेल्स से, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। चलिए आइए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, अभी बुक के सवाल, बुक कौन सा लेना है सर, मैं बताना ही भूल गया बातों बातों में, M.N. अरोड़ा, आपको बुक बाय करना है सर, M.N. अरोड़ा, 10 ईयर के अंदर लास्ट में हम करेंगे, बुक का नाम है आपका M.N. अरोड़ा। मार्केट के अंदर बुक प्रोग्राम और ऑनर्स का है तो आपको प्रोग्राम का लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। सर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, मैंने लिखा सेल्स, सेल्स मैंने लिखा 50,000, मैंने लिखा फिक्स कॉस्ट 30,000, मैंने लिखा प्रॉफिट 10,000, आपको निकालना है पीवीआर। देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है इसका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालिए, फिर से एक्सप्लेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ओके, अभी हम अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, पहले इसका बताओ आंसर कौन बच्चा देगा, मैंने एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बच्चों ने बताया सर 20, करण सिंह ने बताया 20, जितने बच्चे लाइव हैं सभी बता दे फटाफट से। चलिए चेक कर लेते हैं सर, आपको चाहिए क्या, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्री अपॉन में सेल्स इंटू 100। सर कंट्री क्या होता है, कंट्री सेल्स माइनस वीसी होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला था कंट्री का, ये था फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो यहां कंट्री आ जाएगा, दैट इज आपका 40,000 रुपीज, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सेल्स 50,000 रुपीज इंटू में 100, तो आपका कितना आ गया, कितने आ गए आपका 20%। अगर मैं आपसे पूछ लूं वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना है तो निकाल पाओगे क्या, अगर मैं पूछूं वेरिएबल कॉस्ट कितना है तो निकाल पाओगे क्या,
निशा ने बताया 80 गलत है। मैं अगर पूछूं आपसे ये पीवीआर का परसेंटेज है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर वेरिएबल कॉस्ट बताइए तो क्या बता पाओगे वेरिएबल कॉस्ट? मैं आपसे पूछता हूं वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी सिंपल है ना सर, हमारा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज अगर यहां से ड्राइव करें तो क्या होगा सर? क्योंकि कंट्री क्या होता है सर, कंट्री होता है दैट इज पीवीआर। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा हमारा, अगर हमें सेल्स में से 100 में से माइनस कर दें पीवीआर को तो दैट इज ये। तो इस वाले सवाल में जवाब आएगा 100 माइनस में आपका 80, नहीं सॉरी 20, दो की आ गया हमारा 80। तो इससे मेरे से पूछे ना कि वेरिएबल कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट बता दो, तो क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट? तो बड़ा बेसिक सी बात पूछ लिया सर, सेल्स आपका कितना था 50,000 और 50,000 का आपका कितने परसेंट वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है हमारा 80%। तो 50,000 का 80% क्या होगा, 50,000 का आप 80% निकाल लीजिए, दैट इज 40,000 रुपीज आपका क्या रहा होगा वेरिएबल कॉस्ट, यही होगा ना 40,000 आएगा ना। हाँ बिल्कुल 40,000 क्या होगा हमारा, मैंने गलत कर दिया ये 50,000, क्योंकि अगर हमारा 40,000 वेरिएबल कॉस्ट होगा तो 50 में से 40,000 तो 40 हो गया, तो एफसी तो 30 है। नहीं 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 ये कितने परसेंट आए, 20%, ये 20 आएगा, 20 20 20, मैंने गलत निकाल लिया। कंट्री होता है पीवीआर, पीवीआर कितना आया था, ये कितना आ रहा था, ये 80 आएगा ना, हाँ तभी कहूं कि ये 80 आएगा भाई, एक बच्चे ने 20 दिया जवाब गलत, तभी कहूं मैच क्यों नहीं हो रहा, ये कितना आएगा हमारा 80। तो यानी अगर मेरे से वीसी पूछा जाए तो कितने परसेंट होगा, 20%, दैट इज आपका 10,000। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रूफ कैसे करेंगे। देखो 50 का ये है और 10 का वीसी है, बचे कितने 40, 40 में से 30 एफसी माइनस करोगे, बचेंगे कितने 10, और 10 हमारा क्या है प्रॉफिट है। यानी जब एक स्टेटमेंट बनाओगे इस तरीके का स्टेटमेंट बनाओगे तो प्रूफिंग भी हो जाएगा, मैं यहीं पे साइड में करके दिखा देता हूं प्रूफिंग इसके लिए। चलिए खराब हो जाएगा जब नोटिंग करेंगे तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा फिर उसमें। सर 80 होगा पीवीआर, 80 होगा पीवीआर, बिल्कुल सही 80 होगा पीवीआर। जीतू आपका गलत आया था 20 पर, अब पता नहीं क्या निकाला था, पर निकाला था पीवीआर निकाला था, ये समझ में नहीं आया। यहां तक बताइए बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक इस फॉर्मूले को समझ में आ गया क्या, इस फॉर्मूले से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, बेसिक सी चीजें बताइए फटाफट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दें। सुबह सुबह सभी बच्चे एकदम सुस्त हैं। जीतू, दीपक, करण, निशा, निशांत, स्नेहा, रवि, भारत, हर्षिता, जयंत, बताइए यहां तक कोई परेशानी? नो, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो हम आज वाली क्लास को ना यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि 8 बजे एक यहाँ पे क्लास आता है। धीरे धीरे अभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं दे रहा मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ भी ऑल दो दूंगा, और आपको खरीदना है एमएन अरोड़ा बुक, और जिस बुक से आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उस बुक से बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आया है अभी तक बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे कि कॉस्टिंग के लिए महेश्वरी मित्तल एक फेमस राइटर माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट के लिए वन एंड वन ओनली सिर्फ एम एन अरोड़ा को प्रेफर करते हैं सभी यूनिवर्सिटी वाले। सर सेल्स परसेंटेज को एक्सप्लेन कर दो, सेल्स परसेंटेज क्या होता है सर? सेल्स परसेंटेज का मतलब आप देखिए, क्योंकि आपका वीसी, वीसी होता है हमारा, अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कहूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इज इक्वल टू पीवीआर।
और इसमें अगर हम वीसी परसेंटेज जोड़ दें, सर कंट्रीब्यूशन दो चीजों को मिलके बना है, एक प्रॉफिट और एक एफसी। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया, प्रॉफिट ये हो गया, एफसी ये हो गया, तो यही तो बनेगा हमारा सेल्स, तो ये सेल्स परसेंटेज हो गया, बड़ी सीधी सी बात है। सर आपने जो बुक पीडीएफ अपलोड की है उससे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, देखो कई बार चीजें होती है ना, देखो पीडीएफ अपलोड किया है या क्वेश्चंस दिया है, डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बल्कि मैं इसको अलग से फिर से अभी नोट्स बनवा के आप लोगों को मैं दे दूंगा। लेकिन समस्या ये है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हार्ड कॉपी रहेगा ना तो आप उसमें कुछ मार्किंग कर पाएंगे। आपको सेकेंड हैंड बुक मिले आप सेकेंड हैंड ले लीजिए, लेकिन मैं हर बच्चों को रिकमेंडेशन करूंगा कि सारी चीजों को डिजिटल, मतलब कि आप देखिए क्लासेस लाइव ले रहे हैं, ओके यहाँ पे देख के बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, लेकिन बुक्स को भी आप ऑनलाइन पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि मैं नोट भी ऑनलाइन कर लूँ, मेरे पास टैब है या फिर मेरे पास कुछ और है वहीं पे लिख के बना लूँ, तो हर चीज को आप करेंगे ना डिजिटलाइजेशन अपने लाइफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। क्योंकि जो पढ़ाई पेपर और पेन पे हो सकता है वो पढ़ाई कभी भी आपका डिजिटलाइजेशन वे में नहीं हो सकता। हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने किताब होनी चाहिए और किताब के साथ साथ आपके पास एक रजिस्टर और पेन भी होना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि आप जो भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर फोटो कॉपी कर लें, प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है, प्रिंट आउट और किताब की एक अपनी अलग महत्व होती है। प्रिंट आउट जो है उसे देखने के बाद कहीं ना कहीं एक फीलिंग कह लो या फिर मन के अंदर पेजेस इधर उधर पढ़ने का मन नहीं करेगा, बुक होगा तो आप प्रॉपर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है, ये बुक आपका रीसेल भी हो जाएगा, तो आप चिंता मत करो, ये बुक रीसेल हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भैया मैं टेलीग्राम के अंदर एक बाय और सेल का बना दूँ, कि काफी सारे बच्चे जुड़े होते हैं, वो अपने बुक को खरीद बेच ले, वहीं से भैया बात कर लो किसके पास पुरानी बुक है किसके पास नई बुक है, अपना कम्युनिकेशन करके अपने बुक को बाय सेल वहां से कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। हाँ आज कॉर्पोरेट की क्लास है, बिल्कुल निशा आज कॉर्पोरेट की क्लास, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, वो टाइम पे चलेगा, इनफैक्ट उस टाइम को और बढ़ाने वाले हैं हम, तो उसके हिसाब से चलेगा। और अब मैं सभी बच्चों को एक छोटी सी एडवाइस कह लो या करियर को लेके, नाउ आप उस पड़ाव पे आ गए हो, आप बीकॉम, थोड़ी सी मुद्दे की बात कर लेते हैं हम आपके करियर को लेके। आपका बीकॉम प्रोग्राम, चाहे बीकॉम ऑनर्स का बच्चा हो, मैटर नहीं करता सर, बीकॉम प्रोग्राम का बच्चा है या फिर बीकॉम ऑनर्स का बच्चा है, आप जो हो ना उस स्टेजेस पे आ चुके हो, 5 महीने बाद, 5 मंथ के बाद अगर आप वर्क करते हो, अगर आप जॉब करते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर जॉब नहीं करते हो तो आपको जॉब लेस या बेरोजगार कहने लगेंगे, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास ऐसा कुछ नहीं बचता कि आप और क्या पढ़ने वाले हो। एक साइंटिफिक और एक नॉर्मल देखा जाए तो बच्चे को 10वीं तक की एक बेसिक जानकारी दी जाती है, 11वीं 12वीं में स्पेशलाइजेशन बनाया जाता है, और ग्रेजुएशन करके एक उससे भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन बनाया जाता है, उसके बाद बच्चे को नौकरी पे लग जाना चाहिए। लेकिन हमारा एक जो स्टडी का या हमारा जो एजुकेशन का ऐसा मैकेनिज्म है कि बच्चा ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन के बेसिस पे कहीं जॉब मांगने जाता है तो उसको जॉब ऑफर नहीं किया जाता, सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब बोलोगे ना मैं ग्रेजुएट हूं तो जॉब नहीं माना जाता। अब बेरोजगारी का डेटा उठा लो, बेरोजगारी के डेटा को जब भी आप उठाओगे तो सबसे ज्यादा क्या पाओगे कि ग्रेजुएट बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हैं, और वो भी जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है। इसका मतलब सर उसको कुछ और भी करना है, यानी आपकी पढ़ाई यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, आपने यहाँ तक का बेसिक नॉलेज ले लिया है, अब आपको आगे फर्दर कोई अपने एजुकेशन को, क्योंकि मैं जॉब की परिभाषा लिखूं ना तो जॉब होता है हमारा, जॉब इज इक्वल टू आपका एकेडमिक एजुकेशन प्लस में स्किल एजुकेशन,
ये होता है जॉब हमारा। जॉब लेने कहीं भी जाएंगे ना तो बोलेंगे क्या आप ग्रेजुएट हो? जी हाँ ग्रेजुएट हो। और क्या किया है? अगर आपने कहा कि ग्रेजुएट है ही नहीं तो वैसे ही बोलेगा भैया हमें तो कम से कम ग्रेजुएट चाहिए। आप बोलोगे ग्रेजुएट है तो भैया हमें ग्रेजुएट के साथ ये भी चाहिए। तो इसके साथ साथ ना आपको एक स्किल एजुकेशन अभी से ले लेना चाहिए। सेमेस्टर 5 आपका भी आसान था, सेमेस्टर 6 भी आपका आसान है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बाकी सारे हो जाते हैं और इसके अंदर मार्किंग थोड़ी सी लीनियंट रहती है, बच्चे आराम से पास भी हो जाते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूंगा इसके साथ साथ अब आप कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बच्चों के कुछ ड्रीम्स कुछ एम्बिशंस हैं। नंबर 1 बच्चा कहता है सर हम एमकॉम करेंगे, मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। जिस बच्चे को टीचिंग लाइन में जाना है या इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाना है वही एमकॉम करे, बाकी को कोई जरूरत कोई फायदा नहीं है करके एमकॉम, ठीक है। जिसे पीएचडी वगैरह करना है एमकॉम करेंगे। नंबर 2 सर हम एमबीए करेंगे, तो जिन बच्चे को एमबीए के अंदर जाना है वो कहीं ना कहीं एमबीए हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग एमबीए होता है ना, डॉक्टर का अलग एमबीए होता है, कंप्यूटर का अलग एमबीए, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, उसका एमबीए करेंगे, दूसरा ऑप्शन मिलता है। तीसरा कुछ बच्चे जो गर्ल्स हैं स्पेशली बीएड कर लेंगे। चौथा ऑप्शन आपके पास आता है सर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। गवर्नमेंट जॉब में ईच एंड एवरीथिंग आ गया, चाहे आईपीएस हो चाहे आपका क्लर्क हो, कुछ भी प्रिपरेशन करने का आप मन बना रहे हो। पांचवा सर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे, जैसे LLB कर लेंगे या सर हम CA कर लेंगे या सर CMA कर लेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर होता है। छठा कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं इंटरनेशनल कोर्स करने वाला हूँ, इंटरनेशनल कोर्स करने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, जैसे कि ACCA कर लेंगे या फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा CMA कर लेंगे या फिर CPA कर लेंगे, कुछ ऐसा। मैं सारे के सारे ये जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ किससे रिलेटेड सर, ये फाइनेंस से रिलेटेड कॉमर्स से रिलेटेड जॉब की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद आपको इन्हीं किसी फील्ड में जाना पड़ेगा, और भी बहुत सारे एक्सपर्टीज है, इंश्योरेंस का है, म्यूचुअल फंड का है, बैंकिंग का है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेजरली पे मैं डिस्कस करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। तो सर इसके अंदर एमकॉम जिसको करना है इसका DU एंट्रेंस लेगा, DU एंट्रेंस लेगा। कब एंट्रेंस होगा? आपके इसी ड्यूरेशन में, अप्रैल के मंथ में इसका फॉर्म निकल जाता है, अप्रैल से मई। यानी आप सोचोगे ना कि 6 सेमेस्टर का पेपर देंगे फिर कुछ करेंगे, नहीं, 6 सेमेस्टर का पेपर देते देते वो सारे आपके एंट्रेंस ले लेते हैं वेटेड बेसिस पे, कि बच्चा फाइनल ईयर में, उसके बाद एडमिशन ले लेगा। अगर आप 6 सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के बाद आप तैयारी करोगे आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो अगले साल में पहुंच जाओगे आप, आपको तो आपको इसी साल में जाना है ना, आप इसी साल ग्रेजुएट हो रहे हो और मई में ग्रेजुएट हो रहे हो, रिजल्ट आता नहीं आता मैटर नहीं करता। तो अगर आप मई में ग्रेजुएट हो रहे हो तो इसी साल आपको या तो एमबीए में एडमिशन लो या फिर आप कहां पे एडमिशन लो, एमकॉम में लो, बीएड में लो, किसी में लो, इसी साल आपको एडमिशन लेना है। तो इस साल लेने के लिए सर आपको इन सभी के अंदर ना एंट्रेंस की जरूरत पड़ती है, तो इस एंट्रेंस की आपको साथ के साथ अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जिसको एमकॉम करना है तो यहाँ पे 2 तरीके का एडमिशन होता है, डायरेक्ट एंट्री बेस होता है DU के अंदर, और एक होता है आपका एंट्रेंस बेस। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, डिस्टिंक्शन मार्क्स से है, 75% अबव बन रहा है तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है, नहीं तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एमबीए के लिए हर बच्चों को बोलूंगा कि कैट की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप जिस बच्चे का सपना है, जिस बच्चे ने सोचा हुआ है कि एमबीए करें कैट, अब मानना यह है काफी सारे बच्चों का एक मिथ्य है कि सर एमबीए करके नौकरी नहीं मिलती। आप जितने भी स्टार्टअप, जितने भी एंटरप्रेन्योर उठा लो, जितने भी आपका स्टार्टअप, जितने भी ऑनर है, जितने भी फाउंडर है, यंगेस्ट है, सभी के सभी 2 जगह से मिलेंगे मैक्सिमम। आप ढूंढ लेना, हिस्ट्री उठा लेना, या तो उन्होंने एमबीए कर रखा है या उन्होंने आईटी कर रखा है। एमबीए को जो है ना एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IIM, तो IIM से करा हुआ है या IIT, 2 वर्ड है, आप देखोगे तो यहीं से मिलेंगे। तो सर ऐसा ना, एमबीए करना होगा ना तो आपको एक ऐसे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करो जिसकी के मार्केट में वैल्यू है और जहां पे वर्थ है आपको, तो उसके लिए सर आपको कैट देना पड़ेगा। अगर दिल्ली से करना चाहते हो तो दिल्ली में सबसे बड़ा एमबीए का जो कॉलेज है वो है सर FMS, ये श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स करा रहता है, तो वहां पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सर कैट दीजिए, परसेंटेज आएगा तो होगा, इसके एंट्रेंस की तैयारी करना होता है। बीएड DU से करना है सर, इसके भी एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अदर जगह से मैं बात करूं तो वैल्यू नहीं है सर, बहुत सारे बच्चे बीएड कहां से कर लेते हैं, MDU से कर लेते हैं, MBA सिक्किम मणिपाल से कर लेंगे, MBA इग्नू से कर लेंगे, MBA इधर से कर लेंगे, बस आप ये सोच रहे हो कि मैंने MBA करा, बट उसकी वैल्यू नहीं है।
उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, 10 से 12 हजार। आप IIM से MBA करते हैं, आपको 2 लाख रुपए की मिनिमम सैलरी मिलेगी मंथली, 2 से 3 लाख रुपए का आपका पैकेज मिल जाता है। मंथली सैलरी की बात करूं यानी 25 से 30 लाख का पैकेज मिल जाता है। आप इग्नू से करो, आपको 15 हजार रुपए का भी सैलरी नहीं देगा कोई भी, उसकी वैल्यू नहीं देते लोग। बात गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, IAS करना, IPS सर अभी से ही लगना पड़ेगा साथ के साथ। यानी सर स्पेस जो अभी तक आपने 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, जो मेन स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है ना, अब होने वाला है आपके लाइफ का, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे कि क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ यार, लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, पढ़ाई भी हो गई, पढ़ाई किया, इस पढ़ाई का यूजेस भी नहीं हो पा रहा, जॉब करनी है, कहाँ करें। कई बार आप ऐसा करोगे कि भैया पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर लोगे, कई बार कहीं कॉल सेंटर में जॉब कर लोगे, आप भटकते रहोगे। और इस भटकाव में बहुत सारे 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने लाइफ को पूरा टर्निंग चेंज कर देते हैं। कुछ लग गए इंश्योरेंस एजेंट में, कुछ लग गए बिग बाजार में, कुछ लग गए कहाँ पे, कुछ लग गए कहाँ पे, और उसी से क्या करते हैं, उसी फील्ड में जाते रहते हैं। जो उनकी ग्रोथ एक्चुअल होनी चाहिए वो नहीं होती। तो मैं हर बच्चों को सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट 2 ईयर अभी आप जॉब या पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा, अनटिल अनलेस आपका फाइनेंशियल पोजिशन वीक ना हो घर का। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स, आप LLB के लिए भी एंट्रेंस होगा आपका DU के अंदर, CA के लिए डायरेक्ट एंट्री भी है, एंट्रेंस है, CMA के लिए डायरेक्ट एंट्री एंट्रेंस है, एक CS भी है, और इनके लिए एंट्रेंस भी है और वैसे भी है आपके। तो मैं आप सभी को बस ये अलर्ट करना चाहता हूँ कि भैया ये कोर्सेस हैं, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सारी चीजें। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है, काफी बच्चों ने ज्वाइन भी कर रखा है। कुछ बच्चे कैट की बोल रहे थे, सर कब से क्लास स्टार्ट होगी, तो 1-2 दिन या मंडे से क्लासेस में कैट की स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन इसके अंदर भी ना हम पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ उन सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो कि हम आपको अच्छे से डिलीवर कर पाए। जैसे आपके 6 सेमेस्टर के अंदर, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बैंकिंग पढ़ाऊंगा, फाइनेंस पढ़ाऊंगा, या जो भी आपके इंडस्ट्रियल लॉ है वो पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा सकता। जो चीजें में एक्सपर्टीज है हम बोलते हैं वो, बाकी चीजें आप कहीं से भी देखिए, सभी चीजों में हम नहीं पढ़ सकते। तो इसके अंदर सिर्फ आपका मैथ्स और प्लस रीजनिंग ये पढ़ाया जा रहा है, आपका सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, जो कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती है, वो सुबह 8 बजे मेरे बैच के खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ना अब मेहनत थोड़ा ज्यादा करिए, ऐसा नहीं कि भैया आप तो बस 6 सेमेस्टर निकलेगा और हमारी जिंदगी बहुत ही आसान होने वाली है और जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे पल आ जाएंगे जिसके अंदर की खुशियों की बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत बद से बदतर हो जाती है जब ग्रेजुएट हो जाता है इंसान, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर एक और स्टैंप लग जाता है जिसे बोलते हैं हम बेरोजगार, और बेरोजगार शब्द इतना आपको परेशान करेगा कि इसके बाद अब क्या करें, जिसमें आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं काफी सारे बच्चे। तो नाउ अलर्ट, जितनी मेहनत आपने 12th क्लास के अंदर की थी, रिमाइंड कर लो, 12th क्लास में जितनी मेहनत करी थी सेम मेहनत आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं श्योरली मैं बोल सकता हूँ, जितनी मेहनत आपने 12th में की थी ना, फर्स्ट ईयर में नहीं करी, सेकेंड ईयर में नहीं करी, और इनफैक्ट किसी कॉलेज के एजुकेशन जो पढ़ रहे थे उतनी मेहनत नहीं करी 12th के अंदर। सर मेहनत करने का क्या सिचुएशन होता है, तो सुबह उठना 7 बजे, स्कूल जाना 5 घंटे, स्कूल, स्कूल से वापस आना, स्कूल के बाद फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क सारा करके रात को फिर हम 10 बजे तक काम कंप्लीट करते हैं, 12 भी बज जाते थे, फिर सुबह उठ के स्कूल जाना, ये रूटीन फोकस चलता था। अब क्या होता है सर, 2-3 दिन, 1 हफ्ता आराम कर रहे हैं, ज्वाइन किया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वही मेहनत की आदत डालनी पड़ेगी। तो अभी से अलर्ट हो जाओ, अप्रैल के मंथ में आपके सारे फॉर्म निकल जाएंगे, यानी 3 से 4 महीने हैं, तो इसको भी पढ़ना है और उसको भी पढ़ना है, बाकी चॉइस आपकी है कि आपको करना किस तरीके से, आपके लाइफ क्या है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि बिजनेसमैन हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि फादर का एक खुद का ओन बिजनेस है, तो मैं उस बच्चे को यही राय देना चाहूंगा, भैया अगर आपके फादर का वेल सेटल बिजनेस है तो अपना दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइए, उस बिजनेस को डबल करने की कोशिश करिए, सबसे बड़ी आपकी यही मेहनत है। वो बच्चे पागल होते हैं जो कहते हैं कि हम सेल्फ करेंगे, कुछ अपना करेंगे, कुछ नहीं होता सर, इतना कॉम्पिटिशन मार्केट में है ना कि आपको निकाल के तुरंत बाहर कर दिया जाता है। 100 में से 1% बच्चा है जो कि टिक जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स का कोई ऐसा वेल सेटल बिजनेस है, उसको आप टेक्नोलॉजी में लेके जाइए, उसको अच्छा करिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट कर पाऊंगा। तो क्लास डे अभी मैं फिलहाल जो है TTS ही रखने वाला हूं, कोई बदलाव नहीं, आज TTS है, TTS रखूंगा, जैसे परसों क्लासेस लूंगा मैं, इसके बाद कोई बदलाव होगा तो मैं पहले एंटीमेट कर दूंगा हर बच्चों से एक बार पूछ के। हाँ, टाइमिंग अभी यही रखते हैं, कोई चेंजेस हुआ तो मैं बच्चों से पूछ के बता दूंगा। इवनिंग की टाइमिंग, बैच पहले से आप वाला बैच शिफ्ट होता है ना इवनिंग में, तो
एफएम वाला, शाम की टाइमिंग मेरे मन में चल रहा है 6 बजे का, लेकिन उस टाइम पे सेमेस्टर वन का बैच है जिनका एग्जाम हो जाएगा फेब 15 में, फेब 15 को हो जाएगा, फेब 15 में हो जाएगा, फेब 15 के बाद शायद एक स्लॉट मेरे पास खाली हो तो मैं शाम को कर दूंगा। सर इसकी रिकॉर्डिंग, बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग ना आपको रिसेंटली अभी 1 से 1.5 घंटे बाद मिल जाएगी आपको, 10 बजे जब आएगा तो कंटेंट सेक्शन में भी आ जाएगा, लाइव सेक्शन में भी आ जाएगा। नहीं, 1 मिनट, ठीक है, ओके डन, तो हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप अपने बारे में सोचिए, बहुत कम समय बचा है आपके पास, 4 से 5 महीने में बहुत कुछ करना है, और 4 से 5 महीने बहुत कुछ होते हैं, बहुत दिन होते हैं करने वालों के लिए, ना करने वालों के लिए तो सर अभी आपकी 20 साल से ज्यादा उम्र होगी तब भी कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए, ओके डन।